हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वीडियोकॉन कंपनी का है, जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का इवेपोरेटर है, इस इवेपोरेटर में ये कैपिलरी ट्यूब कैसे चेंज करना है। अधिकतर ये जो कूलिंग कॉइल होते हैं, इस कूलिंग कॉइल में इनबिल्ट कैपिलरी ट्यूब आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कैपिलरी ट्यूब इसकी है, ये कैपिलरी ट्यूब इस पाइप के अंदर से ही दी गई है। मतलब इस प्रकार के इवेपोरेटर में अगर इनकेस कभी कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो फिर उस ब्लॉकेज होने की स्थिति में हम इसकी कैपिलरी कैसे बदल सकते हैं, तो वो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इस प्रकार के इवेपोरेटर में अधिकतर देखने को मिलता है कि इवेपोरेटर की कैपिलरी अगर चोकअप होगी, तो उस वक्त यहाँ पर एक साइड में कम कूलिंग होने लगता है, एक साइड में कूलिंग नहीं होता, या इवेपोरेटर एक तरफ सूखा रहता है, एक तरफ हल्का ठंडा रहता है। कभी कभी हम इस कैपिलरी ट्यूब को नाइट्रोजन से फ्लशिंग करते हैं या गैसेस से फ्लशिंग करते हैं, फिर भी ये सही तरह से क्लीन नहीं हो पाती। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि इनलेट से इसके अंदर प्रेशर तो जा रहा है, लेकिन आउटलेट से सही तरह से प्रेशर बाहर ही नहीं आ रहा है। उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है, ये कैपिलरी ट्यूब ब्लॉकेज होने के कारण आउटलेट में प्रेशर नहीं आता है। अब इवेपोरेटर में इनलेट है या आउटलेट है, अगर इनलेट से जो भी प्रेशर भरेंगे या ड्रायर से जो भी गैस जाएगा, ये गैस अगर अंदर इवेपोरेटर में जा रहा है, तो आउटलेट के पाइप से बाहर भी तो आना चाहिए। अगर हम इनलेट से प्रेशर भर रहे हैं, लेकिन आउटलेट से कुछ भी प्रेशर बाहर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में हमें इस इवेपोरेटर की कैपिलरी ट्यूब चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर देखा कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, इस कैपिलरी ट्यूब को इनलेट से मतलब इसी एक ही पाइप के साथ अंदर से दी गई है, और वही कैपिलरी ट्यूब यहाँ से देखो, ये वही पाइप है जो ये पाइप ऐसे पूरा घूम फिर के फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, और इसी पाइप में से छोटा सा आपको यहाँ पर एक ट्यूब दिखाई देता है, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है। मतलब सक्शन के पाइप में से यहाँ से कैपिलरी ये इवेपोरेटर के इनलेट को दिया गया है। देखो, ये इवेपोरेटर का आउटलेट है, ये इवेपोरेटर का इनलेट है। इनलेट के अंदर कैपिलरी ट्यूब इस सक्शन के पाइप में से ऐसे गई है, बाकी का आजूबाजू का भाग तो पिंच है। अभी हमने देखा कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब अंदर कहीं पे तो ब्लॉक है, जो इनलेट से प्रेशर जाता है, लेकिन आउटलेट से प्रेशर नहीं आता है। तो उस स्थिति में हमने क्या किया कि ये जो कैपिलरी ट्यूब यानी कि जो इवेपोरेटर का इनलेट जो है, जहाँ पर कैपिलरी ट्यूब इन होती है, उस भाग में हल्का सा छेद किया, स्क्रू लिया, एक स्क्रू के द्वारा इसको हल्का सा छेद किया, और छेद करने के बाद यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर है ना, इसके भाग को एकदम साफ किया, अच्छी तरह से पेट्रोल या थिनर वगैरह लेकर इसको साफ करें। पहले शुरुआत में गर्म करके पॉलिश पेपर से रगड़ ले, फिर थिनर वगैरह लेकर उसको साफ करें। साफ करने के बाद ये जो इवेपोरेटर है, इस इवेपोरेटर के साथ हमें 0.031 इंच की 10 फीट की कैपिलरी लगाने है। अभी आपने यहाँ पर देखा, मैंने एक नया कैपिलरी ट्यूब लिया, ये लगभग 0.031 इंच का 10 फीट का कैपिलरी है। इस कैपिलरी ट्यूब को ना, पहले इसका जो इनलेट होता है, जो शुरुआत का जो होल होता है, इसको अच्छी तरह से ओपन करके लेना है, और इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे एल शेप में बेंड करना है। बेंड करके इस कैपिलरी ट्यूब को इस बराबर होल में ऐसे क्रॉस पोजिशन में ऐसे डालें, देखो लगभग 1 से 1.5 इंच इसके अंदर ऐसे लगाने। फिर इसके ऊपर एक इपोक्सी करके सोल्यूशन आता है, ये सोल्यूशन को लगा देना, जिससे कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। मतलब आपको ये इवेपोरेटर बाहर फेंकने की जरूरत नहीं, या ये इवेपोरेटर खराब होने पर दूसरा लगाने की भी जरूरत नहीं, आप इसी इवेपोरेटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब को वापस निकाल के पहले इसी कैपिलरी को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, और साफ होने के बाद इसका होल यहाँ से खोल देते हैं, मतलब ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर इस कैपिलरी ट्यूब को अंदर लगाएंगे। फिर अंदर लगाने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन लगाएंगे। तो चलो अभी स्टेप बाय स्टेप इस पे हम लोग काम करना चालू करेंगे। इसके लिए हमने लिए एक स्टिपर को लेकर पहले कैपिलरी ट्यूब को हमें लगभग शुरुआत से आधे इंच तक ऐसे हल्का हल्का स्टिपर इसके ऊपर घुमाकर इसको निशान लगा देना है, कट करने के लिए निशान लगा देना है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो, अभी आपको इस होल में कुछ भी मतलब इनलेट में कोई भी जगह या होल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जब इसको हम काटेंगे तो इसके अंदर का होल आपको दिखाई देगा। अभी आपने जब यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब काटे तो इसके अंदर ये होल दिखाई दे रहा है, शुरुआत में तो नहीं दिख रहा था हल्का सा, और अभी यहाँ पर अच्छी तरह से होल दिखाई दे रहा है।
मतलब ये इसका इनलेट अभी खुल गया, ये जो इनलेट है इनलेट अच्छी तरह से खुल गया। अभी हमें क्या करना है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको पहले सीधा करो और हो सके लगभग 1 इंच के व्यास तक लंबाई तक इसको ऐसे एल शेप में बेंड करो। देखो अभी जैसे मैंने इसको बेंड किया वैसे बेंड करना है एल शेप में, और बेंड करने के बाद इसी कैपिलरी ट्यूब को जो आपने यहाँ से कट किया इसी कैपिलरी ट्यूब को इस होल के अंदर ऐसे डाल दो। देखो ये कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर इतना ऐसे गया। अभी हमें यहाँ पर सोल्यूशन लगाना है, तो सोल्यूशन कौन सा लगाएंगे, मार्केट में ऐसे आपको ये दो ट्यूब्स मिलेंगे, इसको बोलते हैं इपोक्सी सोल्यूशन। ये एल्यूमिनियम और कॉपर के ज्वाइंट करने के लिए अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। अभी ये जो होल किया ना, इस होल के ऊपर हम लोग चारों तरफ से ये सोल्यूशन लगाएंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए पहले हमने कोई भी पुट्ठा या पतरा अग्रे लेना है, पतरे के ऊपर ये दोनों भी सोल्यूशन निकाल लें। शुरुआत में हमने ये उसका हार्डर लिया, जितना चाहिए उतना यहाँ पर ऐसे लेके रखा। अब ये हार्डर लेने के बाद ये जो इसका लिक्विड है ये लिक्विड भी लेना है और बार बार इसके ऊपर ऐसे छोड़ना है हल्का सा, ये लिक्विड ज्यादा नहीं लेना है। वे दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है। ये जो दोनों सॉल्यूशन है दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है। हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, मतलब दोनों लगभग एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। हार्डर को थोड़ा ज़्यादा लेना है और लिक्विड हल्का सा कम लेना है, जितना आपको लगेगा उतना ही ले लेना है। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया तो बाकी वेस्टेज हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और जब ये पूरी तरह से दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जो कैपिलरी ट्यूब हमने इसके अंदर लगाई है उसके ऊपर इसको छोड़ देना है। देखो यहाँ पर बराबर जो कैपिलरी ट्यूब जहाँ पर हमने जोड़ी है कैपिलरी ट्यूब के चारों तरफ ये इसको सॉल्यूशन को बराबर लगा के लेना है। अभी कैपिलरी ट्यूब को हल्का से ऐसे पकड़ के बेंड दे दो। इसको लगभग अभी 4 से 5 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रख देना है। अभी आप यहां पर देख रहे हो हमने सॉल्यूशन को सभी जगह पे बराबर लगा दिए हैं। अभी यही कैपिलरी ट्यूब और कूलिंग कॉइल को धूप में सुखाने के लिए रख देना है। ध्यान रखना है कि सुखाने के लिए रखते वक्त ये कैपिलरी ट्यूब ज़्यादा कहीं पे हिलने वाले जगह पे नहीं रखना है, मतलब इसको स्टेबल रखना है। अगर कैपिलरी ट्यूब ज़्यादा मात्रा में हिलने लगेगी तो यहाँ पर जॉइंट में आपको प्रॉब्लम मिल सकते हैं। जैसे कल तक हमने देखा था कि ये जो इपोक्सी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लगाने के बाद
हमने इसको लगभग 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे सुखाने के लिए रखना है, लेकिन हमने इसको पूरा दिन भर रखे थे क्योंकि कल हमारे पास कोई और भी काम था। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने इस प्रकार से कैप्यूरे को इपोक्सी के द्वारा यहाँ पर जोड़ा। फिर कैप्यूरे को जोड़ने के बाद यहाँ पर उसके ऊपर कोई लोड नहीं आना चाहिए, इसलिए इस कैप्यूरे ट्यूब के ऊपर, इस सक्शन के पाइप के ऊपर इसे केबल टाइप से बांधा। फिर यहाँ पर उसको ऐसे लूप्स दिया और वही पाइप को सेम ऐसे कैपिलरी ट्यूब को इसी पाइप के ऊपर ऐसे जोड़ के आखिर में इधर तक, मतलब ये जो आप इपोक्सी देख रहे हो ये हार्ड बनने के बाद इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर या मेन जॉइंट पे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए या पाइप क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको हमने धीरे धीरे नीचे दबा कर ऐसे पाइप के ऊपर बांध लिया। अभी हमें क्या करना है, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब का जो इनलेट है ना, इसकी इनलेट को खोलना है, और इसके इनलेट को खोल कर यहाँ पर एक एनआरवी वॉल या चार्जिंग वॉल लगाएंगे। फिर यहाँ से इसमें प्रेशर भरेंगे, प्रेशर भर के हमें फाइंड आउट करना है कि लीकेज तो नहीं कहीं पे, मतलब ये जो मैंने हमने इपोक्सी लगा इस इपोक्सी में कहीं पे लीकेज तो नहीं है। ये जो जूनी कैपिलरी का जो इनलेट था इसके ऊपर हमने जो ब्रेजिंग किया, इस ब्रेजिंग में कोई लीकेज तो नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए अभी पहले हम यहाँ पर ये जो मेन नया कैपिलरी जो लगा है, इस नए कैपिलरी की इनलेट पे हम यहाँ पर एक एनआरवी लगाएंगे, जो यहाँ पर मैंने आपको एक एनआरवी दिखाया। तो हम लोग इस एनआरवी को यहाँ पर, मतलब इस एनआरवी को कैपिलरी में लगाने से पहले इसके होल को पहले ओपन करके देना है। तो इसके लिए हमने स्ट्रिपर का प्रयोग किया है, सेम जैसे आपने अदर वीडियो में भी देखा है कि कैपिलरी को कैसे खोला जाता है, वैसे स्ट्रिपर के द्वारा इस कैपिलरी टिप के ऊपर ऐसे हल्का हल्का चारों तरफ से ऐसे घुमाना है। कटिंग का जैसे आपको निशान दिखेगा तो उस निशान के आगे से इस कैपिलरी टिप को पकड़ के द्वारा ऐसे कट करना है। देखो आपको यहाँ पर होल दिखाई दे रहा है, इस तरह से हम इस कैपिलरी ट्यूब को ओपन कर देते हैं। अभी ओपन करने के बाद इसमें एनआरवी जोड़ना है। तो ये लिया, ये कैपिलरी ट्यूब लगभग इसके अंदर 1 इंच अंदर जाएगी। बचे हुए भाग को, जो पाइप का जो बचा हुआ भाग है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको हम लोग हल्का सा पिंच करेंगे ताकि ब्रेजिंग करने में आसानी हो। इस तरह से ब्रेजिंग, मतलब पिंच किया, और पिंच करने के बाद इसको हम लोग सही तरह से जोड़ लेंगे। इसको भी ब्रेजिंग करके ले रहे हैं। अब इसकी इनलेट पे ब्रेजिंग करना है, लेकिन ब्रेजिंग करते समय एक बात ध्यान में रखना है कि ये कैपिलरी ट्यूब को ज्यादा गर्म ना करे, तो ये पाइप को गर्म करना है। पाइप गर्म होते धीरे धीरे आपका ये जो मेन ज्वाइंट जो है ये ज्वाइंट भी गर्म हो जाएगा। हल्का सा रॉड को इसके ऊपर जस्ट ब्रेस करना है, ये अपने आप मटेरियल जैसे पिघल जाएगा तो जॉइंट को पकड़ लेगा। फ्लेम को कम रखना है, आसानी से ब्रेस करते रहना है। जो मेन जॉइंट है, इस जॉइंट को हम हल्का सा ठंडा करेंगे। फिर एनआरवी के ऊपर यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगाकर प्रेशर होल्ड करके देखेंगे, या प्रेशर के द्वारा फ्लशिंग करके देखेंगे आउटलेट से अगर प्रेशर आ रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पर लीकेज है क्या, मेन कौन कौन से जो जॉइंट्स हमने किए वहाँ पर लीकेज है क्या, लीकेज फाइंड आउट करना है। तो अभी हम पहले इस वॉल को ठंडा करेंगे, फिर इसमें प्रेशर होल्ड करके उसको फ्लश करके लीकेज चेक करेंगे। जैसे शुरुआत में ही हमने देखा कि ये कैपिलरी ट्यूब को, मतलब इनलेट को एनआरवी के ऊपर अभी हमने जोड़ा। अभी क्या करना है, तो प्रेशर पंप या कोई गैस सिलेंडर लेके यहाँ पर हमें अभी इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर प्रेशर भरना है। तो अभी हमने यहाँ पर ऐसे प्रेशर पंप लिया और प्रेशर पंप लेकर इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रेशर भरा, मतलब कूलिंग कॉइल के अंदर प्रेशर भरा। ये चार्जिंग लाइन यहाँ पर लगाई, अभी यहाँ से देखना है। देखो अभी अब यहाँ पर फ्लश कर रहे हो तो प्रेशर आ रहा है, मतलब कूलिंग कॉइल ओके। अभी क्या करना है, तो घोल बनाना है, साबुन पानी का घोल अपने बना के लिया। जो मेन जॉइंट्स है जॉइंट्स के ऊपर ऐसे लगा के रखो, जो कैपिलरी आपने जो जो मेन ज्वाइंट किया ना उस ज्वाइंट के ऊपर इसे इस घोल को लगा के रखना है और एक हाथ से इसको फ्लश करना है। जितना हो सके उतना प्रेशर होल्ड करके रखो और आपका ध्यान इस ज्वाइंट के ऊपर रहेगा। अगर इस ज्वाइंट में कुछ लीकेज वगैरह होगा तो फिर प्रेशर को, मतलब यहां से बुलबुले आएंगे, यहां से दबा। अभी आप इस ज्वाइंट के ऊपर ध्यान देना है, अगर लीकेज वगैरह होगा तो यहाँ से बुलबुले आएंगे, लीकेज नहीं होगा तो आपकी कूलिंग कॉइल मतलब सही से हो गई है। देखो अभी जो जो मेन ज्वाइंट्स है हमने सब ज्वाइंट्स चेक किए,
मैक्सिमम इसके अंदर जो हम लोग प्रेशर होल्ड कर रहे हैं, ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये लो प्रेशर में आता है, तो लो प्रेशर में आने के कारण यहाँ पर जो भी इनलेट में गैस आता है ना, ये लो प्रेशर में आने के कारण यहाँ पर लीकेज मिलने की संभावना नहीं है। इसके लिए आप बेफिक्र, जो कैपिलरी ट्यूब का जो आउटलेट यानी कि जो इवेपोरेटर का इनलेट होता है, इस इनलेट में ऐसे हल्का सा छेद करके कैपिलरी ट्यूब को इपोक्सी के द्वारा सोल्यूशन द्वारा जोड़ सकते हो। इपोक्सी सोल्यूशन द्वारा उसको आसानी से जोड़ सकते हो। मतलब अगर कोई कैपिलरी ट्यूब या कोई इवेपोरेटर आपका चोकअप या ब्लॉक हो जाता है और उसको रिपेयर करना है, तो ये तरीका आपके लिए सही है। मतलब इसमें आपको कम खर्चे में आपका कूलिंग कॉइल रिपेयर हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी ध्यान में रखना कि अगर ये कूलिंग कॉइल जिस कूलिंग कॉइल के अंदर इनबिल्ट कैपिलरी ट्यूब आती है, मतलब अंदर से ही कैपिलरी ट्यूब आती है, अगर वो कैपिलरी ट्यूब कभी ब्लॉकेज हो जाती है या चोकअप हो जाता है, बार बार सिस्टम चोकअप में चला जाता है, उस स्थिति में अगर आपको कूलिंग कॉइल की कैपिलरी ट्यूब अगर बदलनी है या कूलिंग कॉइल अगर ब्लॉक है और उसकी कैपिलरी ट्यूब को बदलना है, तो उसको आप आसानी से हल्का सा कूलिंग कॉइल में छेद करके उसके अंदर कैपिलरी लगाकर इपोक्सी द्वारा, जैसे शुरुआत से मैंने जो आपको वीडियो दिखाया वैसे स्टेप्स करके आप यहाँ पर आसानी से कूलिंग कॉइल को रिपेयर कर सकते हो। अभी हम वापस एक बार आपको फ्लश करके दिखाएंगे। आउटलेट के प्रेशर को होल्ड करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो आउटलेट के लाइन को होल्ड करना है, और यहाँ पर मेन झाग लगा के देखना है, गोल लगा के देखना है। अगर बुलबुल आए तो लीकेज, बुलबुले नहीं आए तो आपका कूलिंग कॉइल सही है। कुछ भी बुलबुले नहीं है मतलब आपकी कूलिंग कॉइल सही है। देखो मतलब ये मैक्सिमम प्रेशर को होल्ड करके रख सकता है, इस तरह से आप कूलिंग कॉइल को रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही कूलिंग कॉइल रिलेटेड आपको फ्लशिंग, क्लीनिंग या रिपेयरिंग, ब्लॉकेज, ऐसे कुछ अलग अलग इंटरेस्टेड वीडियोस देखने, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।